नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। बढ़ती गर्मी के कारण आम आदमी आज परेशान है और अपने आप से वादा कर रहा है कि अब पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ों को बचाना भी होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही एक पौधा माँ के नाम से अभियान चलाकर देशवासियों से मार्मिक सहयोग मांग चुके हैं। इस अभियान की तर्ज पर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से भी पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण अभियान 2024 के तहत शनिवार को प्रदेश भर में पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से यूपी सरकार को इस साल तकरीबन 38 करोड़ से ज्यादा पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया है। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राजधानी लखनऊ में अयोध्या रोड पर कुकरेल नदी तट पर स्थित सौमित्र वन में पौधारोपण कर पौधारोपण जन अभियान 2024 का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी लोगों को इस अभियान का हिस्सा बनकर अपनी मां के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इस अभियान से सबको जुड़ना होगा। आने वाले दिनों में यहां तक नाइट सफारी बनेगी। कुकरेल क्षेत्र को विकसित करने और कुकरेल नदी के सौंदर्यकरण को लेकर सरकार संकल्पित है। अभी हाल में ही कुकरेल नदी पर बने तमाम अवैध मकानों को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। यहां पर बसे 2100 लोगों को आवास भी दिलाने का काम किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले समय में कुकरेल नदी फ्रंट आम आदमी को सुकून देता नजर आएगा, क्योंकि बिना पेड़ जीवन संभव नहीं है। इस कार्यक्रम के अवसर पर और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, यह आपको सुनाते हैं। एक पेड़ मां के नाम, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण रहेगा तो आपने देखा होगा गत वर्ष प्रदेश के अंदर एक बड़े क्षेत्रफल में और प्रदेश ही नहीं देश में भी दुनिया में भी हम लोग देख रहे थे, अक्टूबर महीने में बाढ़ आई थी। बाढ़ का समय अगस्त और मध्य सितंबर के अंदर अक्सर रहता है, लेकिन गत वर्ष अक्टूबर के अंत में बाढ़ आई थी। बहनों भाइयों, जुलाई प्रथम सप्ताह में कभी बाढ़ नहीं आई थी। पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में भी बाढ़ की विभीषिका को हम सब कुछ झेलने के लिए मजबूर हुआ था। 24 जनपद अकेले उत्तर प्रदेश में 20 लाख से अधिक की आबादी, नेपाल और उत्तराखंड में आई अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में आए। ये ग्लोबल वार्मिंग के ही कुछ प्रभाव हैं और मुझे लगता है कि इस बार का मई और जून का महीना लोगों को एक लंबे समय तक स्मरण रहेगा। टेम्परेचर सामान्यतः हम देखते थे, टेम्परेचर यहाँ का अमूमन जो देखते थे 42 से लेके 45 के बीच में होता था, लेकिन इस बार टेम्परेचर को 47 से लेके 50 डिग्री तक पहुंचते हुए हम सब ने देखा। ये एक दुष्प्रभाव है जो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दुनिया के पर्यावरणविद हम सबको लगातार देते रहे हैं और यह जल का संकट भी खड़ा करेगा। तमाम परिवर्तन के कारण असमय बारिश की संकट पैदा करेगा, कहीं सूखा का संकट खड़ा करेगा और इसके कारण होने वाले परिवर्तन से तमाम स्थलों पर अकाल पड़ने की संभावना भी पनपती भी दिखाई देती है। इन सब से बचाव के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 2017 में सरकार बनने के बाद वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ आगे अपना कार्य करना प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है आज जहां हम लोग एक ही दिन में 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे, वहीं पिछले 7 वर्ष में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने अब तक 168 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न किया है और 168 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ ही प्रदेश के अंदर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो हमने थर्ड पार्टी इन सभी लगाए गए पेड़ों को देखा है, लगभग 75 से
80% पेड़ अभी भी जीवित हैं, अच्छी वाटिका के रूप में वहां पर वे आगे बढ़ रही हैं। यह प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यक्रम का अभियान का एक परिणाम है। वहीं इस मौके पर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने कार्यक्रम स्थल पर जाकर वहां की स्थिति जानी। वहां लोग पूरी शिद्दत के साथ पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान में अपना सहयोग देते हुए नजर आए। पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ अभियान और इस अभियान के माध्यम से यहां पर यानी 20 जुलाई को आज 36 करोड़ पौधे लगाने का अभियान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने आज यहाँ पर अकबर नगर में जहाँ पर अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर खाली कराई गई जमीन वहाँ पर जमींदोज किया गया था, वहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा हरी शंकरी का यहाँ पर जो पौधा है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया है, पूजा अर्चना की है। और यहाँ पर अभी यहाँ पर बन बनेगा जो कि कुकरन नदी के आसपास ही रहेगा, पास में रहेगा, क्योंकि कुकरन नदी सौंदर्यीकरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार, योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार संकल्पित है। और संकल्प के तहत यहाँ पर हमने देखा है कि बड़ी कार्रवाई जो अब तक इतिहास में मेरे ख्याल से अमर हो चुकी है, क्योंकि अभी तक इतनी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई थी। फिलहाल यहाँ पर कुछ समय पहले कार्रवाई की गई, कार्रवाई के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर पहले अवैध बस्तियाँ हुआ करती थी, अब यहाँ पर केवल खाली मैदान है। और यहाँ पर सौमित्र वन लगाने की योजना है जिसके तहत यहाँ पर 10,000 पौधों का पुनरोपण किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विशेष रूप से यहाँ पर आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर कुकरल नदी की जो सौंदर्यीकरण है उसको जो लक्ष्य है वो भी यहाँ रखा गया है। और कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि अकबर नगर में यहाँ पर अवैध बस्तियों के हटने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर आए, आज उन्होंने पौधारोपण किया और एक पौधा माँ के नाम जो अभियान चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो आह्वान किया गया है अभियान है उसके तहत यहाँ पर सभी लोग अपने अपने पौधे लगाए हैं। और मुख्यमंत्री ने फिलहाल यहाँ पर सौमित्र वन में, अभी सौमित्र वन कहलाएगा, सौमित्र वन में हरिशंकरी का पौधा लगाकर एक अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत यहाँ पर 36 करोड़ पौधे लगाने का एक रिकॉर्ड बनाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम कुकरेल की बात करें, कुकरेल नदी हमारे बगल में है, हालांकि अभी व्यवस्थाओं के चलते नाले में तब्दील हो गई थी, पर फिलहाल यहाँ पर उसके लिए भी संकल्पित है। अगर हम बात करें तो इससे पहले 2021 में भी तत्कालीन नगर विकास मंत्री जो थे गोपाल टंडन थे, उन्होंने यहाँ पर प्रयास किया था कि इसको विकसित किया जाए, पर यहाँ पर किन्हीं कारणों के चलते और किन्हीं रोग के चलते ये सफल नहीं हो पाया था। फिलहाल यहाँ पर उसके बाद अकबर नगर पर कार्रवाई हुई और फिलहाल यहाँ पर सौभत मन की आधारशिला रख दी गई है। 10,000 पौधे यहाँ पर आज लगाए गए, 36 करोड़ पौधे लगाने का पूरे प्रदेश में अभियान है। और ये जो जगह हम खड़े हैं ये आने वाले समय में सौमित्र वन के नाम से जाना जाएगा और यहाँ पर बड़े बड़े विशाल पौधे लगाए जा रहे हैं जिसके तहत यहाँ पर घना आबादी वाला क्षेत्र जो कभी हुआ करता था वो यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर घना केवल वन क्षेत्र दिखेगा। साथ ही बगल में कुकरल नदी देखेगी जो लखनऊ, राजधानी लखनऊ की जो एक छता है उसमें और चार चांद लगाती नजर आई। देखा जाए तो अकबर नगर के सौमित्र वन बनने की व्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले राजधानी लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने सी न्यूज भारत से बात करते हुए कहा कि हम इसको सौमित्र वन बनाने को संकल्पित हैं, साथ ही आने वाले समय में नगर निगम के जितने भी पार्क उनको भी इस तरीके से हरा भरा रखने की योजना है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, बड़ा अभियान एक पौधा माँ के नाम, इस अभियान के माध्यम से देशवासियों में एक ऊर्जा संचारित की जा रही है और ऊर्जा के माध्यम से यहाँ पर पेड़ लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। 36 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। और फिलहाल यहाँ पर राजधानी लखनऊ के अकबर नगर जहाँ पर कभी अवैध बस्तियाँ हुआ करती थी, नगर निगम LDA की कार्यवाही के बाद यहाँ पर फिलहाल जो सौमित्र वन है उसका सपना पूरा होने जा रहा है। बड़े पेड़ लगाए जा रहे हैं और 10,000 के लगभग यहाँ पेड़ लगाए जाएंगे और वन बनाया जाएगा जो कि कुकरल नदी के सौंदर्यीकरण में चार चांद लगाएगा। हमारे साथ मौजूद है नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, क्या बोलेंगे, बड़ा अभियान बड़ी व्यवस्था पर साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी रूपरेखा। देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा यहाँ पे जो कार्रवाई की गई थी उसके बाद इसको ग्रीन बेल्ट डेवलप किया जा रहा है। यहाँ कोई भी कंक्रीट का काम नहीं होगा, सारा ग्रीन बेल्ट ही रहेगी और इसका पर्पज़ यही है कि यहाँ पे मियावाकी फॉरेस्ट अगर जब डेवलप होता है 3 साल बाद तो लखनऊ को 3 चीज़ों को सर्व करे, एक ऑक्सीजन अच्छी दे, दूसरा हम लोग अर्बन फ्लडिंग में हेल्प कर सके क्योंकि पानी गिरता है कंक्रीट पे और पानी के जाने की जगह नहीं बचती, अब्जॉर्ब नहीं होता। वो इस साल हीट वेव आई है उससे भी लड़ने का यही तरीका है, इसीलिए जो प्लान किया जा रहा है कि ये पौधे बचे भी, 3 साल 4 साल के प्रोजेक्ट हैं और इसमें बाउंड्री भी बनाई गई है, नगर निगम LDA मिल के काम कर। एक सवाल मेरा रहेगा, यहाँ पर तो पौधे लगाए जा रहे हैं, ज़मीन खाली है, पर राधे लखू के तमाम जो पार्क है वो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पर पौधे काट दिए जाते हैं, वहाँ पर ग्रीनरी होनी चाहिए, क्या इसके लिए भी कोई अभियान चलाने की आवश्यकता है? क्योंकि अगर जो कॉलोनी में अगर पेड़ पौधे लगे रहेंगे, बड़े होते रहेंगे, वृक्ष बनते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो आसपास का जो माहौल रहेगा वो भी अच्छा रहेगा।
देखिए एक दो एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन नगर निगम कभी पौधे नहीं काटता, नहीं, वो नहीं काटता। हाँ, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना अलर्ट है कि एकदम FIR हो जाती है उसमें। लेकिन ये बात सही है कि हमारी कुछ पार्कें अभी डेवलप नहीं है, तो इस बार जो हमने लिया है कि पूरा जो हम पूरे को टेंडर में जा रहे हैं और हम लोग जो है पूरे पार्कों का बंदोबस्त करेंगे ताकि वो भी ग्रीन हो जहाँ बचे। हाँ, और हम लोग पौधे भी देंगे और पब्लिक की भी पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं रूट ऑफ गार्डनिंग से। तो ये हमारा प्रयास है कि सब लोग मिलकर लखनऊ को ग्रीन कर सकें। बड़ा मेहनत कर रहे हैं, बड़ा अभियान है यहाँ पर है, पर सबसे गौर करने वाली बात है 2021 में भी तत्कालीन जो नगर विकास मंत्री थे अशोक टंडन, उन्होंने भी योजना लेकर आई कोकरेल में। अब क्या मानते हैं कितना समय लगेगा सौंदर्यीकरण पूरा हो जाएगा और यहाँ पर आदि गोमती के बाद यहाँ पर कोकरेल को भी लोग देखने आ सकेंगे? ये कम से कम 3-4 साल लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है प्राइवेट का, उसको रिवर्स करना इतना आसान नहीं होता, तो कम से कम 3-4 साल लगेंगे पूरा उसको ओरिजिनल रूप आने में, इससे भी ज़्यादा लग सकता है। बदलाव के लिए लगातार जाने जाते हैं, अब कौन सा बदलाव आने वाला है? क्योंकि मैं तो जानना चाहता हूँ अंजीत सिंह से कि कौन सा ऐसा बदलाव करने वाले हैं कि लखनऊ के लिए और बेहतर होगा। देखो, स्वच्छता पर काम करना है अगले 6 महीने और लखनऊ को हरा भरा करना है। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, इन्होंने कहा है स्वच्छता पे काम करना है, लखनऊ को हरा भरा रखना है। और निश्चित रूप से अगर कोकरेल की बात करें तो उन्होंने कहा है कि 3-4 साल यहाँ पर लगेंगे, पर शुरुआत हो चुकी है सौमित्र वन बनाने को लेकर। अब यहाँ पर लगातार पौधारोपण अभियान भी होगा। खासतौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि नगर निगम का प्रयास ये भी है जो कि राजधानी लखनऊ के जो रिहायशी इलाके जहाँ पर पार्क हैं उनको भी यहाँ पर पूरी तरह से हरा भरा किया जाए, जिससे कि जो आसपास के निवासी हैं उनको भी राहत की सांस मिल सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गौरव सिया, सचिन भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।